नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक हत्याकांड में 11 वर्ष बाद शुक्रवार को फैसला आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी माना है। बलीपुर के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद उसके भाई की गोली लगने से मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सीओ की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। 11 साल के बाद सीओ जियाउल हक के परिजनों को न्याय मिला। पूरा मामला आगे हम आपको बताएं। इससे पहले इस मामले में उस समय के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी आरोपी बनाया गया था, जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया खुद को बेगुनाह बताते हुए हर जांच का सामना करने का ऐलान किए थे। सीबीआई जांच में राजा भैया को बाद में 2 बार क्लीन चिट मिली। सीओ जियाउल हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम आने के बाद हमने राजा भैया से खास बातचीत की थी। पहले आपको सुनाते हैं उस समय उन्होंने जो कुछ कहा था। प्रदेश में बीएसपी सरकार बनती है उस समय राजा भैया सुर्खियों में रहते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन एसपी सरकार में इनका सुर्खियों में रहना आखिर क्या कारण है? इतने दिन में ये खुद राजा भैया जान सकते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सीओ हत्याकांड में जिस तरीके से सीबीआई चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, आपको उसमें कहीं नहीं है, तो क्या लगता है अब तक जो मुकदमा दर्ज हुआ कहीं ना कहीं जरूर साजिश है? बिल्कुल साजिश है, और सीबीआई ने सच्चाई को उजागर किया है। और सीओ की हत्या एक आकस्मिक घटना थी, वो कोई प्लान्ड घटना नहीं थी। प्रधान की हत्या हुई थी आक्रोशित उनके परिवार वालों ने, पुलिस के साथ जो हाथापाई हुई उसमें एक और भाई उनका मरा। फिर प्रधान के भाई ने सीओ को, उस समय कोई ये भी नहीं जानता था कि ये व्यक्ति सीओ है कि इंस्पेक्टर है कि क्या है, तो वो एक आकस्मिक और बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। वो कोई प्लान्ड मर्डर या इस तरह का घटना नहीं था, लेकिन राजनीतिक साजिश करने वाले लोग उन्होंने ऐसा किया। और जो मीडिया का रुख रहा उसने भी दुखी किया, क्योंकि मीडिया ने भी इस मामले में शुरू में इंसाफ नहीं किया। कई बार मगरमच्छ दिखा रहे हैं, कहीं घोड़े दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। पोखरेल क्रोकोडाइल फार्म में जाकर के वहां के शॉट्स लेकर के उनको बताया जा रहा है कि हमारे घर में जो है ये तालाब है। तो इस तरह का जो मीडिया का एक रोल रहा, लेकिन वहीं मीडिया के कुछ साथी ऐसे भी रहे जिनका रुख सकारात्मक रहा, जो सच्चाई के साथ रहे। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई ने कहा हम तैयार हैं, हमने लिखकर भी दिया है। जितनी अग्नि परीक्षा इसमें होगी मैं हर एक अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, इसलिए कतई कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई विषाद नहीं। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा का चर्चित जियाउल हक हत्याकांड फिर अब सुर्खियों में है, क्योंकि शुक्रवार को कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। यह कांड इसलिए भी चर्चित हुआ था क्योंकि सीओ की हत्या का आरोप कुंडा से बाहुबली विधायक व मंत्री रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर लगा था। उनको अखिलेश सरकार से इस्तीफा तक देना पड़ा था। सीओ की हत्या का आरोप कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया व उनके कई करीबियों पर भी लगा था। हालांकि जांच के दौरान ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया था। इस चर्चित हत्याकांड में उनकी कोई भी साजिश नहीं मिली थी। सीओ जियाउल हक देवरिया जनपद के नूनखार टोला जुआफर के रहने वाले थे। 2012 में कुंडा सर्किल की जिम्मेदारी मिली थी। हथगवा के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2023 की शाम प्रधान नन्हे सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उस समय हुई थी जब नन्हे यादव विवादित जमीन के पास चाय की दुकान पर बैठा था। सीएससी कुंडा में नन्हे को मृत घोषित करने पर परिजन शव लेकर घर चले गए। गांव में इस कदर बवाल था कि पुलिस प्रधान के घर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों के घर धावा बोलने की तैयारी में थे, तभी कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा, एसएसआई विनय कुमार सिंह व गनर इमरान के साथ सीओ जियाउल हक प्रधान के घर पीछे के रास्ते से पहुंचे। इसी दौरान सुरेश यादव को गोली लग गई। सीबीआई के अनुसार फायरिंग कर रहे ग्रामीणों ने सीओ को घेर लिया।
और लाठी डंडे से पीटने लगे, जबकि कोतवाल व गनर भागकर खेत में छिप गए। जिले से भारी फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस सीओ के शव को प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे से कब्जे में ले सकी। घंटों तक ग्रामीणों का बवाल चलता रहा। सीओ की हत्या के बाद शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एसओ समेत कई अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। बताया जाता है, गांव में बवाल की सूचना पर कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा, दरोगा विनय सिंह और गनर इमरान को लेकर घटनास्थल पर गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों के हमलावर होने पर कुंडा कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी सीओ जियाउल हक को भीड़ में अकेले छोड़कर भाग निकले थे, भागकर खेत में छिप गए थे, जिसके बाद अकेले सीओ जियाउल हक को ग्रामीणों ने घेर कर लाठी डंडे और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। FIR सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन की तहरीर पर पुलिस ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि बाद में CBI ने राजा भैया समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया था। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने तिहरे हत्याकांड की जांच CBI को सौंप दी थी। इस घटना के बाद राजा भैया ने अखिलेश सरकार से अपना इस्तीफा भी दे दिया था। सीओ की पत्नी की ओर से दर्ज मुकदमे की FIR पर CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में ही दाखिल कर दी थी। CBI ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित, संजय को क्लीन चिट दी है। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई थी। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया। CBI ने राजा भैया सहित कई लोगों को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया था। घटना के बाद तत्कालीन CM अखिलेश यादव ने भी प्रतापगढ़ पहुंच पीड़ित के परिजनों से मुलाकात किया था। अब इस मामले में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनको CBI ने पहले ही दो बार बरी कर दिया था और 10 आरोपियों को सजा सुनाई है, इस पूरे मामले में आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि एक बड़े नेता को जिस तरीके से घसीटा गया और उसके बाद CBI ने उन्हें निर्दोष बताया, लेकिन इस मामले में घसीटे जाने के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मंत्री की कुर्सी चली गई थी और वो राजनीतिक गलियारों में उनका दूसरा रूप पेश हुआ था। अब जब क्लीन चिट मिल ही चुकी है तो रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।